सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला दशकों पुराना सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल आज भी खूब पसंद किया जाता है। इस बार भी दो चर्चित हस्तियों के कदम जब स्टेज पर पड़े तो कंटेस्टेंट और जजेस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी फिल्म एन एक्शन हीरो को प्रमोट करने के लिए इस शो में आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत आए। उन्होंने इस दौरान ढेर सारी बातें की, साथ ही आयुष्मान ने नेहा कक्कड़ से जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया जिसे सुनकर सभी हंसने लगे। इंडियन आइडल 13 में आयुष्मान खुराना और जयदीप अहलावत की ग्रैंड एंट्री होती है। सभी उन दोनों का जोरदार स्वागत करते हैं। आदित्य नारायण भी गर्म जोशी भरे अंदाज में उनकी खातिरदारी करते हैं। आयुष्मान अपनी फिल्म एन एक्शन हीरो के बारे में बताते हैं, इस फिल्म में मैं एक सुपरस्टार प्ले कर रहा हूँ, एक एक्शन स्टार प्ले करता हूँ। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब जयदीप का किरदार भूरा सोलंकी मेरे पीछे पड़ जाता है, आयुष्मान ने सुनाया सदियों पुराना किस्सा। इसके बाद आयुष्मान बताते हैं, मैं और नेहा एक ही दिन रिजेक्ट हुए थे इंडियन आइडल से और हम ट्रेन से वापस जा रहे थे मुंबई से दिल्ली। हम 50 लोग थे और एक साथ रो रहे थे। नेहा आज जज हैं और आज मैं यहाँ पर आया हूँ तो ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है।